आभास हो रहा जो हमारे पास। ये बात हम इसलिए पहले बोल देते हैं कि कल के दिन आप कहोगे गुरुजी आप दुनिया का पर्चा बनाते हो, अपना पर्चा नहीं बना पाए, इसलिए हम पहले ही आपको अवगत करा देते हैं कि कल के दिन आप ये मत कहना। हमारे अंतर मन की जो हमारे पास चूरन चटनी है, जो भी गुरु प्रेरणा है, ये कई दिनों से हमको ऐसा पूर्णतया आभास है। और जो छोटी बड़ी बड़ी घटनाएं, जो प्लांटेड लोग हमारे सामने आए, जो षड्यंत्र किए गए थे बागेश्वर धाम के लिए, हमारे लिए, हमने सबको नजरअंदाज किया और आगे जीवन भर करते रहेंगे, ये तय है। लेकिन सच तो ये है कि ये सोची समझी साजिशें चल रही हैं। और आज जब पत्रकार वार्ता में बैठे तब हमें ये बात आई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकार महोदय सब बैठे थे, शायद यहां भी कुछ पत्रकार महोदय बैठे हैं, तो एक पत्रकार महोदय ने बहुत बड़ी बात बोली कि महाराज जी आपके नाम से अनेक देशों में बायकॉट लगे जा रहे हैं, अनेक मिशनरियां आपके खिलाफ ट्वीट कर रही हैं। तो हमने उनको पूरी बात आज पहली बार खोलकर बताई, वही बात हम मंच से बता रहे हैं कि अनेक दिनों से बागेश्वर धाम के लिए हमारे लिए साजिशें चल रही हैं। साजिशें ये बहुत गहरी हो सकती, घातक भी हो सकती, और तय है उनकी तैयारी जो है वो इसी लेवल की है जो हमने अपने अंतर भाव में जो गुरु प्रेरणा से हमने समझा कि तय है ये साजिशें बहुत घातक रूप से कर रहे हैं। लेकिन चाहे वो धाम को बदनाम करने के लिए, चाहे वो जान माल की हानि के लिए साजिशें की जा रही हो, हम यही कहेंगे कि हम अंतिम समय तक अपने संकल्पों पर अडिग रहेंगे, हम सनातन नहीं छोड़ेंगे। चाहे कोई कितना प्रयास कर ले, ये व्यासपीठ से हम बता देते हैं आज, पर बाद में मत कहना कि बहुत जल्दी उन साजिशों का पर्दाफाश भी होगा, सामने भी आएंगे, लेकिन उससे हो सकता वो कुछ थोड़ा मोड़ा नुकसान कर भी दें, या वैसा भी नुकसान कर दें, तो हम आज प्रार्थना करेंगे। हमने जो आग लगाई है सनातन की, जो हमने दिया जलाया है, हमारे बागेश्वर धाम के जितने लोग हैं, हमारी प्रार्थना है इस दिया को तुम बुझने मत देना, बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें अपनी कोई और एक रत्ती हमें परवाह नहीं है, ये और सुन लीजिए। ये बात हम इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि हमारे मन में कोई बात प्रकट हो गई है, वो तो गुरुजी की आज्ञा थी कि तुम बोल दो। गुरुजी ने हमको कहा कि हमने तुम्हें ये सावधान कर दिया बेटा धीरेन्द्र, ये बात तुम बोल दो ताकि कल के दिन कोई ये ना कह पाए कि बड़ा दूसरों का पर्चा बनाने वाला रहा, अपना खुद का नहीं बना पाया। तो बिल्कुल सत्य है, लोग लगे हैं, जान माल से लेकर के हर प्रकार से लगे हैं, लेकिन हमें एक रत्ती भय नहीं है और कि हमारा क्या होगा, लेकिन हमें इस बात की चिंता है कि इन साजिशों से सनातन का काम ठहर जाएगा। तो हमारी प्रार्थना है तुम हमारे काम को ठहरने मत देना, इस आग को लगाए रखना। हमारे संकल्प सिर्फ तीन ही हैं, हिंदुओं की एकता, भारत को विश्वगुरु बनाना और सनातन धर्म की उन्नति, सिर्फ हमारा यही संकल्प है, और कोई आग नहीं है हमारी। हमारा किसी धर्म से बैर नहीं है, निर्वैरम है हम। लेकिन इतने बाद कई लोगों को मिर्चा, और उसमें बुरा मत मानिए, महाराणा प्रताप का एक सूत्र है, दूसरे धर्म के लोगों से कम खतरा है। महाराणा प्रताप कहते थे भैया सामने वाले शत्रु पर वार करने से पहले, उसकी फौज की संख्या गिनने से पहले अपनी पार्टी में कितने दुश्मन हैं इनकी गिनती की जानी चाहिए। और हम किसी का भी, ये भी आप लोग कहेंगे जब महाराज जी आपको इतना पता चल गया शक्ति बल से, तो आप नाम निकाल लो, नाकाम कर दो, तो जो